और आगे बढ़ते हैं। कठुआ में 5 जवानों की शहादत हुई है, ये सभी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने अब मुंहतोड़ जवाब देने की आतंकवादियों को तैयारी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। कठुआ में हुए इस आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत हुई है, ये सभी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। शहीद होने वाले सैनिकों में नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंदखाल गांव के रहने वाले थे, हवलदार कमल सिंह पौड़ी के पापरी गांव के रहने वाले थे, नायक विनोद सिंह डोईवाला भनियावाला के रहने वाले थे, राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के डोबरिया गांव और राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के थट्टी डागर गांव के रहने वाले थे। शहादत की खबर सुनकर जवानों के घर में गम का माहौल है। 29 साल के विनोद सिंह का परिवार डोईवाला में रहता है। विनोद 3 महीने पहले बेटी के जन्म के मौके पर घर आए थे, उनका 1 साल का बेटा भी है। आदर्श नेगी के गांव में उनकी शहादत की सूचना मिलते ही शोक की लहर छा गई। आदर्श महज 26 साल के थे और साल 2019 में वो गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। पीपली धार से उन्होंने 12वीं पास की। उनके पिता गांव में खेती करते हैं। आदर्श आखिरी बार फरवरी में घर आए थे। आतंकी हमले में 3 जवानों की हालत गंभीर है, हमले के चश्मदीद भी सामने आए हैं। उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। और इधर से टिपराया लो साइड से, उनको ने क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर ध्यान से इधर इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू हो गई। कठुआ में आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन को तेज कर दिया है। आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चल रहा है। ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स को उतारा गया है। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडो कठुआ पहुंचे, जंगल में छिपे आतंकियों की नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। पीओके में कई लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हैं, जहां से लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है। बारिश के मौसम में घुसपैठ बढ़ गई है। अभी आतंकवादी हमले अभी क्यों हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हो रहे हैं, उसके 2 कारण है। पहला कारण ऐसा है कि बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है, तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनसे उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन ये भी लोकल का जो सपोर्ट है, ये सिर्फ कुछ कुछ पॉकेट्स में उन्हें मिल रहा है, हर जगह पर कश्मीर में नहीं मिल रहा है। आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के जवानों को CM पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें हम सब परिवार के साथ। हिंदुस्तान के जवानों के सख्त एक्शन से आतंकी बुरी तरह पस्त हैं। घाटी में उनकी साजिश नाकाम हो रही है, जिससे अब जम्मू में आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं। कठुआ में आतंकियों ने अपनी कायरता का एक और सबूत दिया है, लेकिन वो याद रख लें वो कहीं भी छिपे हों, भारतीय सेना उन्हें ढूंढकर उन्हें असली जगह जल्द पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।